हमारे देश में खास करके जाति पे राजनीति होती है। हर एक जाति के नेता आपको मिल जाएंगे, हर एक जाति के लोग अपने अपने नेता को सपोर्ट करते हैं कि हमारे जाति से नेता बन के जाएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, शायद उनके लिए काम नहीं भी कर पाते हैं, कितने बार ऐसे भी देखने के लिए आता है। लेकिन हमारे बिहार में एक पिछले लगभग 2-3 महीनों से एक जाति की ट्रेंड चल रही है, पान जाति की, पान समाज की, जो कि खास करके आप माना जाता है कि पान जो समाज है एक बुनकर समाज है। पहले ये लोग कपड़ा बुनाई का काम किया करते थे, लेकिन जब मशीनीकरण हुआ तो इनका काम रोजी रोटी ख़त्म हो गया। और इन लोग की मांग है कि हमारी जाति को SC ST में शामिल किया जाए। क्यों शामिल किया जाए? क्योंकि जो राजनीतिक भागीदारी है उनकी इतनी इसमें नहीं है, जो इनकी समाज की मतलब जो व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ भी नहीं राजनीति में इनकी, जो इनके लिए होना चाहिए काम वो काम भी नहीं हो पाती है राजनीति में इनके लिए। जितने भी नेता निकल के आते हैं शायद इनके समाज के लोगों को नहीं देख पाते हैं और नज़रअंदाज करते जाते हैं। और बिहार में तो हर एक जाति के लोग अपने अपने नेता को चुन ही लेते हैं, जैसे कि आप मुकेश सहनी को ले लीजिए, दलितों के नेता माने जाते हैं, चिराग पासवान को ले लीजिए, दलितों के नेता माने जाते हैं, जीतन राम मांझी हो गए, ये भी दलितों के नेता माने जाते हैं, लालू यादव हो गए, AMY समीकरण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबको एक ट्रेंड में ला दिया, A to Z की बात करने लगे। तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने और बिहार सरकार में आए, उन्होंने कहा कि अब A to Z की हम बात करेंगे। और देखिए एक महासम्मेलन होने वाला है पटना में। महासम्मेलन क्यों होने वाला है पटना में? पान समाज का होने वाला है। आखिर पान समाज है क्या? आप पहले भी वीडियो में समझ गए होंगे, पहले वीडियो जो जारी किया था उसमें आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे आप। देखिए महासम्मेलन, पान को जानो, पान को पान पहचानो, पान को मानो। आखिर इनको ये कहने का मतलब क्यों है? पान को जानो, पान को पहचानो, पान को मानो। पान जाति को आप जानिए, उनकी पहचान कीजिए और उनका मान कीजिए, आप उनका आदर सम्मान कीजिए समाज में। इसी वजह से ये लोग अपना महासम्मेलन कर रहे हैं। और जी किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये IP गुप्ता के नेतृत्व में हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय पान महासंघ के, और पिछले 2-3 महीनों से बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं कि आपकी राजनीतिक भागीदारी क्या होनी चाहिए, आपको चढ़ बढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। लगभग इनकी संख्या बिहार में 70 से 80 लाख बताई जाती है, तो बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ IP गुप्ता का। अगर ये IP गुप्ता की संख्या इनके साथ खड़ी हो जाती है तो ये सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं जमुई से, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और जो महासम्मेलन होने वाला है अखिल भारतीय पान महासंघ परिवार के द्वारा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं इसमें, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हो रहे हैं इसमें, माननीय राज्यसभा सांसद सब बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हो रहे हैं इसमें, बिहार कांग्रेस पर भारी माननीय पूर्व मंत्री श्री भक्तचरण दास भी इसमें शामिल हो रहे हैं इनके सम्मेलन में। और ये सम्मेलन कल पटना के बापू सभागार में होने वाला है 4 तारीख को। उसके बाद से तमाम जो लोग हैं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव भी आएंगे उसमें उद्घाटन मेन मुख्य अतिथि के रूप में, नीतीश कुमार हैं, अब देखिए इधर अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं इसमें, और जो है कबीर जयंती समारोह से पान को जानो, पान को पहचानो, पान को मानो महासम्मेलन स्वागत को तैयार हैं हम सब। पटना के बापू सभागार में ये होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कल का जो इनका महासम्मेलन होगा उनको क्या फ़ायदा होगा इस महासम्मेलन से, और 2024 के इलेक्शन में लोकसभा का जो चुनाव होगा उनकी हिस्सेदारी कैसे निकल कर जनता के सामने आएगी, और क्या जनता IP गुप्ता पे, जो पान महासंघ, जो पान समाज के लोग हैं, पान समाज के लोग IP गुप्ता पे भरोसा जता पाएंगे? क्या जमुई की जितने भी लोग हैं या बिहार के जितने भी लोग हैं इन पर भरोसा जता पाएंगे कि नहीं, अब देखने वाली बात आने वाला समय में होगा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही, मेरा नाम आदित्य, हफ्ता पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या करना है कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।